मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ये भी बताएं, लाइक आप जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप ये सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग को एज ए पार्ट टाइम करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, वो भी इसलिए बिकॉज आई एम मेकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम माई डूइंग अ फुल टाइम जॉब। सो अभी आपने बताया कि आप जॉब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मैं जॉब के पैसे के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आप जो ब्लॉगिंग और जो भी बिजनेस करते हो, तो इन सारे चीज़ों को अगर आप बताना चाहो, रेवेन्यू तो रिवील करना चाहोगे आप? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं बट पैशन से ब्लॉगर और डिजिटल मार्केटर हैं। स्वागत है कृतिस व्यास जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए। जैसे कि लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो उनको जब जज करना होता है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो आज जिस तरीके से आपने मुझे इन्वाइट किया तो आई कैन से लाइक कि वॉट एवर डिसीजन मैंने लिए थे पास्ट में वो कहीं ना कहीं सही राइट डायरेक्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। मेरे लिए भी बड़ी बात है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं उसके साथ साथ में आप ब्लॉगिंग और बाकी के बिजनेस भी संभालते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके टाइम देना बड़ी बड़ी बात है। मैं भी अपने साइड से आपको थैंक यू करना चाहूँगा। यस, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। व्यास जी, मैं चाहूँगा कि एक बार अपना क्विक इंट्रो दे दीजिए मेरी ऑडियंस को। श्योर सतीश भाई, थैंक यू वेरी मच। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में डाउट्स है कि ब्लॉगिंग के लिए कितना सक्सेस का टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो सिंपल से चीज बताओ गाइज, एक छोटे से आइडिया के लिए। तो मैंने मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी नवंबर 2018 में। तो नवंबर 2018 जहां पे मेरी नो आइडेंटिटी थी ब्लॉगिंग में, वहां से लेकर के सतीश भाई के चैनल तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम लगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मेरी जर्नी ब्लॉगिंग के साथ में एक 2 साल की जर्नी है, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे वेरिएशंस पे काम किया है। तो स्टार्ट कैसे किया था, मतलब ब्लॉगिंग में एंटर कैसे हुए थे, किसको देख के आपने शुरू किया, या फिर कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला, या फिर आपको लगा कि अब मुझे यही शुरू करना चाहिए? तो अगर मैं मेरी जर्नी बताऊं कि कैसे मेरे दिमाग में ब्लॉगिंग आया, तो मैं सिंपली ऑफिस जा रहा था और बाय ट्रेन जा रहा था, तभी मेरे फ्रेंड थे, मेरे कलीग थे, उन्होंने सिंपली बोला कि मुझे एक ब्लॉग स्टार्ट करना है और लोग इससे बहुत पैसा कमाते हैं। तो मेरे दिमाग में तब क्लिक हुआ कि ब्लॉग क्या है। देन आफ्टर मैंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया और मोर देन 2 to 3 months का एफर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टडी को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ। और हम जैसे इंडियन जो ब्लॉगर होते हैं, आपको पता है कि मोस्टली सबसे पहले जब भी ब्लॉगिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है शाउट मी लाउड के साथ में, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। तो यहां से मेरे दिमाग में एक ब्लू प्रिंट सेट हो गया, मैं समझ गया कि ये वो काम है जो मैं इजिली कर सकता हूँ। तो बस यहीं से फिर मैंने सबसे पहले मेरी वेबसाइट चालू की नवंबर 2018 में फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। तो बस यही था, यहीं से मेरे फिर ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। तो अभी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद आप यूके में जॉब कर रहे हो, यूनाइटेड किंगडम में। तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि इंडिया से यूके जाने के बारे में। जी हाँ, मोस्टली हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और स्पेशली जो इंजीनियर्स होते हैं, उनका ड्रीम तो होता ही है कि हर कोई जाए फॉरेन कंट्रीज के अंदर और वहां पे जा करके सेम टाइप की जॉब करें, या फिर ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ हियर आर डिजिटल मार्केटर्स, सो उनको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बट कहीं ना कहीं ड्रीम तो रहते हैं कि हमें दुनिया घूमनी है। तो सब मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने 2014 में इंजीनियरिंग पास आउट की, 2015 में मेरा प्लेसमेंट हुआ पुणे में सिंटल, एट ऑफ सिंटल, जो अभी कंपनी चेंज हो चुकी है। मैं वहाँ पे 2015 से 2018 तक वहाँ पर ऑफशोर लोकेशन पे, बेस लोकेशन पे मैंने 2 साल काम किया। देन कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स मिले, क्लाइंट लोकेशन पे भेजना था, आई वॉज शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस इन पास्ट 2 ईयर्स, और इसके बाद मुझे यहाँ पे यूके में भेजा और मैं अभी करंटली इंग्लैंड में हूँ, क्लोज टू बर्मिंगम, यहाँ से लंदन से 40 मिनट के डिस्टेंस पे है। क्या बात है। और इंडिया में आपका होम टाउन किधर है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं अगर बताना चाहें? यस श्योर, एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग जयपुर से की है और मेरा जो प्राइमरी बेस लोकेशन है वो राजस्थान डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो गुजरात के साथ में बॉर्डर है। तो मैं गुजरात में भी सूरत में 9 साल तक रहा हूँ, जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आपको गुजराती कैसा आती है, तो आई एम वेरी फ्लुएंट इन गुजराती, में बोल सकता हूँ लिख सकता हूँ। तो यस, आई एम बेस्ड इन राजस्थान,
बट एट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान, बॉर्डर वाले आप समझते हैं दोनों तरफ का सब कुछ जानते हैं। तो व्यास जी, जैसे कि मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आपकी जॉब लग गई, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है, लाइक उनकी जॉब नहीं लगती है तो वो कुछ और तलाशते हैं। मैंने जॉब नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यूट्यूब करना शुरू कर दिया और ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। तो आपकी तो जॉब लगी थी, तो आपको ऐसा लगा कि जॉब में मुझे कम पैसे मिल रहे हैं इसलिए मुझे ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए? ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और यही हर एक दिमाग, हर किसी के दिमाग में यही होता है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है, मुझे इससे हटके कुछ करना चाहिए। और बहुत सारे इंजीनियर का दिमाग वैसे खुरापाती रहता ही है, वो जहाँ पे खड़े रहते हैं उससे एक स्टेप आगे की सोचते हैं। तो यही से मेरे साथ भी था, मैं इंडिया में था और इंडिया में जब था तो अभी से मैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहा था कि क्या है जहाँ पे हम राइट एफर्ट्स डाल करके राइट रिजल्ट निकाल सकें। बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे वर्टिकल्स पे मैंने सोचा कहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारों को एक्सपेरिमेंट किया, ये सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी। मैंने सिर्फ क्विक एक्शन लिया, उस पर क्विक एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल और एरर में मैं समझ गया कि मेरे काम का है नहीं काम का है। जैसे कि बहुत सारे इंडिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज चलती है, तो मैं जब यूके में आया तो मैं अभी आपको बताऊं कि वॉट एवर मनी आई एम मेकिंग फ्रॉम ब्लॉगिंग और ये सारा, उससे कहीं ज्यादा पैसा मुझे बेस्ड इन यूके मेरी मंथली सैलरी है। तो बीइंग हियर इन यूके मेरे हिसाब से शायद कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मुझे ब्लॉगिंग करना है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मान लो आज से 5 और 6 साल के बाद में जब इंडिया में जाऊंगा तब मेरी ऑब्वियसली जो सैलरी होगी, जो इंडियन बेस्ड सैलरी होती है वो हमेशा एक इंजीनियर्स की लिमिटेड होती है। उस केस में मैं उस सैलरी को आज जो मेरी करंट या यूके बेस्ड सैलरी है उससे कैसे मैच कर सकूं? बस इसी विजन के साथ में मैंने मेरे स्किल को आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास क्या स्किल है। जहां पे मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल, तो मैंने सोचा कि दोनों पे क्या काम हो सकता है, पहला यूट्यूब चैनल और दूसरा मेरा ब्लॉगिंग। तो मैं समझ गया कि बस यही फंडा है जहां से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैंने स्टार्ट किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं है, आज सतीश भाई ने मुझे बुला करके आई थिंक आई हैव प्रूव्ड माय सेल्फ कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यू आर द इंस्पिरेशन। बहुत सारे आप जो जिस तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस लोगों के लिए लाते हैं, और मैं आपके चैनल को मोर देन 1.5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ और आई हैव सीन मेनी वीडियोस, और यही वीडियोस देख करके मुझे एक नया आइडिया आता है कि चलो इस वर्टिकल में काम किया जा सकता है। ब्लॉगिंग तो है ही मेरे साथ, बस उस ब्लॉगिंग को कैसे स्केल करना वो कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल पे वो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख के ही समझ पाता हूँ। थैंक यू सो मच व्यास जी, इसके मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, इतना अच्छा बोलने के लिए। ओके, सो अब मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि आपको इनसाइट मिलता है मेरे चैनल से, तो अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ इनसाइट दीजिए अपने बिजनेस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, मेरी ऑडियंस को जरा बताइए आप। और जी हाँ गाइस, जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो गाइस मेरा जो प्राइमरी चैनल है वो मिस्टर व्यास है, जहाँ पर टोटली ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं प्रैक्टिकल लर्निंग शेयर करता हूँ, जहाँ पे 90% से भी ज़्यादा वीडियोज जो होते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डेड होते हैं। लेकिन गाइस सिर्फ ब्लॉगिंग एक वर्टिकल नहीं है मैं जहाँ पे काम करता हूँ, बहुत सारे अदर बिजनेस मॉडल पे मैंने काम किया है, मैं बहुत ही अच्छे लेवल तक उसमें काम कर पा रहा हूँ और अभी भी स्केलिंग कर रहा हूँ 2 अदर बिजनेस मॉडल पे। तो सिंपल सी चीज है गाइस, आप जानते हैं मेरा खुद का ब्लॉग है, मेरी 3 वेबसाइट्स है, जहाँ पे मेरी अभी करंट जो प्राइमरी वेबसाइट है वो bloggingvoice.com है, mrvyasidea.com है जो मेरी प्राइमरी इनिशियल वेबसाइट थी, साउंड प्रूफ आइडिया वेबसाइट है जहां पर मैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करके वहां पे कमाता हूं। तो ये तो आप समझ सकते हैं मेरी जो प्राइमरी वेबसाइट है जो पब्लिक है जिसको लोग कनेक्ट करते हैं। इसके बाद गाइस बहुत सारे अदर वर्टिकल पे मैं काम करता हूं, जैसे कि मैं एक ऑफशोर इंडिया के अंदर नोएडा के अंदर मेरा एक फ्रेंड है, उन दोनों के साथ मिलकर के हम गूगल एडवर्ड में पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं जो आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। डोंट थिंक ऑल दिस डिफरेंट देन योर ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग इज अ स्किल, अगर आपने वो स्किल सीखा है तो उसको स्केल करने के लिए जो आप एडिशनल स्किल सीखते हैं उससे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, कैसे गूगल एडवर्ड, कैसे बिंग पे कैंपेन चलाया जाता है, कैसे फेसबुक पे कैंपेन चलाया जाता है, इन सारी चीज़ों पे हमने बहुत सारा काम किया। तो अभी मैं रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ मिलकर के हम दोनों काम करते हैं जो कि इंडिया के अंदर एक बेस्ड है, और हम लोग उसमें क्या करते हैं कुछ कैंपेन्स चलाते हैं, लीड्स लेके आते हैं, उन लीड्स को पर्सनली कॉल करके उन्हें कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सर्विसेज टाइप की होती है जो मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। तो गाइस उस केस के अंदर हमारा मंथली जो 10 डेज का अगर मैं बात करूं सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉडल से, हम कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ 10 दिन के अंदर वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जहां का एक्सपेंस आप समझ सकते हैं 10 से 20%, एक मॉडल की बात कर रहा हूं। ब्लॉगिंग मेरा एक दूसरा प्राइमरी मॉडल है, ब्लॉगिंग को मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से कनेक्ट कर दिया ताकि मैं ओवरऑल एक जनरल रेवेन्यूज वहां से जनरेट कर सकूं, क्योंकि ब्लॉगिंग में लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग मतलब एडसेंस, मेरे लिए एडसेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बहुत ही कम फोकस करता हूं एडसेंस पे।
तो यहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग को क्लब कर सकते हैं। तो एक सेकंड रेवेन्यू सोर्स आपका जनरेट हो जाता है, एक ब्लॉग से कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं गाइस, तो ब्लॉग अगर देखा जाए तो ब्लॉग मतलब शेयरिंग और एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज वो टाइम गया कि जब लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दिस इज मोर अबाउट कॉमर्शियल कंटेंट। मैं अभी करंटली एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, जिनके लिए मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज बना रहा हूं। ऐसा बहुत सारे वेरिएशन है जिसपे मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं बताने जाऊंगा तो लिस्ट विल बी मतलब इट्स लाइक 10 मिनट का उसी में चला जाएगा। तो आई एम पॉजिंग इट हियर, बट एनीवेज गाइस आई एम वर्किंग ऑन वेरियस मॉडल्स। राइट, मतलब आपने सिर्फ बताया कि ब्लॉगिंग आई थिंक एक टूल है, उसके जरिए हम बहुत सारे चीजें कर सकते हैं, है ना? यस श्योर, यस परफेक्ट, यही मैं यहां पर इन अ समरी अगर बोलना चाहूं तो ब्लॉगिंग आपकी एक टूल है, आपकी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को आप दिखा करके बहुत सारे बिजनेस मॉडल को स्केल कर सकते हो। रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया था 7 वेज ऑन हाउ यू कैन मेक मनी, तो वहां पे भी मैंने सारी चीजें वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो ऑब्वियसली सतीश भाई, मैं आपसे अग्री हूं, दिस इज अ टूल, दिस इज एन आइडेंटिटी, उसको दिखा करके आप बहुत सारा बिजनेस ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे आपने अपने वीडियो में बताया है 7 कुछ वेज जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, एक ब्लॉगर 7 तरीके से पैसे कमा सकता है, तो अगर आप इन शॉर्ट बताना चाहें क्या क्या वो 7 हैं। मैं बताता हूँ, अगर आपकी ब्लॉगिंग है, मतलब मैं जो आपको तरीके बताने वाला होगा, तो आप समझ सकते हैं कि दीज स्किल्स यू ऑलरेडी हैव, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले चीज, अगर आपने ब्लॉग बनाया है, दैट मीन्स यू नो हाउ टू राइट अ कंटेंट। तो कंटेंट राइटिंग की मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं मेरे ब्लॉग को दिखा करके लोगों से 2000 वर्ड लिखने के लिए $90 to $100 चार्ज करता था। तो आप कंटेंट राइटिंग की स्किल को डेवलप कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास आपकी ब्लॉग है, मतलब आप जानते हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे सेटअप किया जा सकता है, तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे सर्विसेज सेल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। दैट वॉज योर सेकंड मॉडल। थर्ड मॉडल गाइस, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑब्वियसली आपका ब्लॉग है तो आप गूगल एडसेंस की एड है, इजॉय की एड है, ये ऐसे डिफरेंट एड रेवेन्यूज है, उसको आपकी साइट पे प्लेस करके या फिर लोगों को इस पे मेंटरशिप दे करके कि कैसे इसको सीटीआर को इम्प्रूव किया जाए, कैसे ब्लॉग को इम्प्रूव किया जाए, आप स्किल सेट पे भी लोगों को गाइडेंस दे करके उनसे पैसे कमा सकते हैं। ये थर्ड वर्टिकल। इसके बाद गाइस मैं फोर्थ वर्टिकल पे बात करूं, जो मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट वर्टिकल है, जिसको मैं समझता हूं मैंने ब्लॉगिंग में सबसे अच्छा सीखा है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। कैसे फेसबुक पे कैंपेन रन किया जाता है, कैसे बिंग पे किया जाता है, कैसे गूगल पे किया जाता है। इसके हेल्प से मैं क्या करता हूं, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया, तो मैं बहुत सारे यूएस क्लाइंट के लिए क्या करता हूं कि they give me some business models, some business ideas, और मैं क्या करता हूं कि उनके उस business पे मैं traffic drive करता हूं, एक simple सा campaign Facebook में setup करके, Google में setup करके, जहां पे मेरा day का expense होता है $50, मैं उनसे charge कर सकता हूं $100 to $200। तो ये एक another vertical है guys, जो आप blogging के साथ ही scale कर सकते हैं। और ऐसा अगर count करने जाए तो बहुत सारे ऐसे various vertical है, लेकिन anyhow you will get, अगर आपके पास blog है तो market में बहुत सारी opportunity, अगर आपको find out करना है तो in summary आप Fiverr पे जाइए, इन समरी आप freelancer.com की साइट पे जाइए या फिर अपवर्क पे जाइए, कौन कौन से लोग क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं, अगर आप वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यू विल गेट इजीली अ गुड आइडिया कि क्या आप भी आपकी स्किल के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्लाइंट कैसे पकड़े। जैसे कि मान लीजिए आपने बताया कि हम किसी के लिए फेसबुक एड या फिर गूगल एड चला सकते हैं अपने जो भी किसी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उन क्लाइंट्स को कैसे पकड़े हैं? बहुत ही क्रूशियल चीज है, बिकॉज क्या होता है ना कि आपके पास स्किल सेट है, अब उस स्किल को मार्केट में बेचने के लिए आपके पास पोटेंशियल क्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बंदा ही नहीं है आपकी सर्विसेज लेने के लिए तो पैसा तो कमाने के कोई चांसेस ही नहीं है, राइट? तो उस केस के अंदर गाइस आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो मैं कुछ 2-3 चीज आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, पहला तो सबसे बेसिक काम जो आपको करना है वो कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहां पे जाके रजिस्टर करना है, और आपको गारंटेड सेल आएंगे, नॉट टू वरी अबाउट, ठीक है? जैसे कि आपको फाइवर है, ऑब्वियसली फाइवर कंपटीशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको $5 टाइप के बजट वाले लोग वहां पे सेल करने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप रियल में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं गाइस, तो आप freelancer.com और upwork.com वहां पर जाकर के आपके बिजनेस को रजिस्टर कीजिए, अगर आप टोटली बिगिनर है, राइट? अभी लाइक मेरे और सतीश भाई के केस में कैसा है कि हम लोग ऑलरेडी हमने एक हमारी आइडेंटिटी मतलब हमारा ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएट किया है जिसके बारे में लोग कुछ जानते हैं, तो अल्टीमेटली दे विल कम टू अवर वेबसाइट और हमें तो हमारा बिजनेस मिल जाएगा, राइट? मैं बिगिनर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, तो उस केस के अंदर सबसे पहली चीज आप ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे सेल्फ रजिस्टर किए, वहां पर आपको क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस से गाइस 2 चीजें मैटर करती है कि आपके क्लाइंट को दिखने के लिए आपका कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए। फिर से वही बात आती है, या तो आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए जहां पर आप आपकी क्रिएटिविटी को शो करते हो, या फिर आपका ब्लॉग होना चाहिए जिसको आपका क्लाइंट रीड कर सके, आपके ट्रस्ट बने और आपको वो प्रोजेक्ट दे। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे जो यही चीजें बेच रहे हैं, राइट? तो आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन सारे प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका जितना प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, यू विल हैव अ हायर चांसेस
चांसेस टू गेट ऑल दैट। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों को डिजाइनिंग का बहुत शौक होता है, राइट? ये बेसिक चीजें बता दो जो आपको किक स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, कहां से क्लाइंट लेके आए। अभी मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी कनेक्ट किया, आपको डिजाइनिंग सीखनी है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, पिंटरेस्ट पर इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है, उसको सीखने के बाद आपको ऐसे यूट्यूबर से कनेक्ट करना है कि हम आपके लिए थंबनेल बनाएंगे, दीज आर द सैंपल्स, और इसके बाद में हम आपके लिए आगे बनाते जाएंगे, तो दे विल गिव यू मनी, और वहां से आप धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं। तो ये कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंट 2-3 मंथ्स का एफर्ट दीजिए, आपको रिजल्ट गारंटीड और पॉजिटिव मिलेंगे। तो व्यास जी, मैं चाहूंगा कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने कोई क्लाइंट कैसे, या फिर क्लाइंट ने आपको कैसे अप्रोच किया था, तो वो जरा बताइए। श्योर। तो गाइस, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं आपको एक मिलियन डॉलर बिजनेस मॉडल पे बात करना चाहूंगा, जो कि मैं अभी रिसेंटली जिस पे काम कर रहा हूं, और ये बहुत से लोगों को अभी मैंने पब्लिक नहीं किया है, बट ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू शेयर इट, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आप एक्शन लेते हैं। मेरा सिंपल रूल है, यू हैव टू क्रिएट योर फुटप्रिंट। आपको अलग अलग जा करके आपकी प्रेजेंस दिखानी है तो कोई ना कोई आपसे कनेक्ट कर लेगा। तो मैंने क्या किया, यूडेमी पे एक छोटा सा कोर्स बनाया ब्लॉगिंग का, जो बेसिक फाउंडेशन था कैसे बिगिनिंग से एडवांस तक आप एक छोटा सा ब्लॉगिंग सीख सकते हैं, और उसकी प्राइसिंग मैंने न के बराबर रखी कि ऐसा कि कोई भी जाए तो एटलीस्ट इंग्लिश का कंटेंट उसको मैं रेफर कर दूं, ताकि वो मुझे बार बार कमेंट ना करें। अभी मेरा मोटो क्या था वहां पे, मेरा विजन था उन लोगों तक इंग्लिश में कंटेंट पहुंचाना, लेकिन मेरी फुटप्रिंट यूडेमी पे क्रिएट हो गई थी। अब उसके रिजल्ट्स बताता हूं। रिजल्ट्स क्या हुए, मेरे उन वीडियोस को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे लोगों ने देखा, और उसी वीडियो की सीरीज को एक अफ्रीकन बेस्ड कंपनी ने कैप्चर किया, और उनको लगा कि इस बंदे के पास ब्लॉगिंग की एक अच्छी खासी स्किल है, ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या नहीं है, इसका तरीका सही है। और दीप उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जो अफ्रीका के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, हमारी इतने लोगों की टीम है, हमें एक ट्यूटर चाहिए जो हमारी ब्लॉगिंग के, हमारे लिए ब्लॉगिंग के कोर्सेज बना सके, हमारे लिए फ्रीलांसिंग के कोर्सेज बना सके। और इट क्लिक माई माइंड, मुझे लगा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर मैंने उस पर और रिसर्च किया कि क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है, और मुझे लगा कि जी हाँ ये फायदेमंद। और अभी मैंने रिसेंटली उनके लिए एक ब्लॉगिंग का पूरा टोटल एक कोर्स बनाया, एक मैंने फ्रीलांसिंग का टोटल इंग्लिश में दोनों कोर्सेज बनाकर के कंपनी को हैंड ओवर किया। अभी वो कंपनी अभी वेरी रिसेंट लाइव और लॉन्च होने वाली है, जिसकी अपडेट जैसे ही अगर वो लॉन्च होता है, क्योंकि अभी वो ऑलरेडी इसके बैकएंड फेज में चल रहा है, जैसे ही वो लॉन्च होती है ऑब्वियसली आई विल शेयर ऑन माय प्लेटफॉर्म मिस्टर व्यास एज़ वेल। तो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी आती है, सिंपल रूल है आपको आपके फुटप्रिंट क्रिएट करना है, और जितने आपके स्ट्रांग फुटप्रिंट होंगे उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। रीजन आपका कुछ हो सकता है करने का, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ और ही मिलेंगे जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। तो यही है, आप मेहनत कीजिए तो आपको रिजल्ट्स अल्टीमेटली और बहुत ही वायबल मिलेंगे। बेसिकली हमको हमारे तरफ से काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे तरफ से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, तो ही हम गरम लोहे पे हथौड़ा मार पाएंगे। तैयार ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, मिस हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, और आपका माइंड ओपन होना चाहिए, बहुत सारा ओपन होना चाहिए, तभी आप ये सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। और सतीश भाई के वीडियो देखिए, जो मैंने आज आपको बताया, कल कोई और कुछ और बताएगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ओपन ही रहेगा, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेल, काफी अच्छी चीजें आपने शेयर करी व्यास जी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ये भी बताएं, लाइक आप जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप ये सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, अपना बिजनेस, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग को एज ए पार्ट टाइम करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। वो भी इसलिए, बिकॉज आई एम मेकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम माई डूइंग अ फुल टाइम जॉब। तो देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी मेरी सारी जो मेरे बिजनेसेस रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए पार्ट टाइम समझे तो लोग एक और दो घंटे का टाइम समझते हैं, बट आई एम इन्वेस्टिंग मोर देन 7-8 आवर्स एवरी डे अलॉन्ग विथ माई 9-आवर जॉब। तो मेरा डे का जो रूटीन होता है वो कहीं ना कहीं 16-17 घंटे के बीच में होता है, जो वेरी करता है। और मैं मोस्टली, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो आप मल्टीपल चीज़ों पर पैरेलली काम भी कर सकते हैं, राइट? तो ये एक एडवांटेज मुझे इस टाइम पे मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ टूल्स को भी यूज करता हूँ, जैसे कि ट्रेलो एक टूल है जहाँ पे मेरे टास्क वेल मैनेज रहते हैं, कि मुझे कौन से डे को कौन से एक्टिविटी मैनेज करनी है, कौन से वेबसाइट पे जाके कौन सा पोस्ट अपडेट और उसको रीपब्लिश करना है, कौन सा नया कंटेंट कब कीवर्ड रिसर्च करना है। और मेरे मोस्टली मॉडल में मैं क्या करता हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो पैरेलली मेरे हेल्प में, और मैं समझूंगा कि मेरी सेकंड आई है, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो एडमिन्स हैं, जैसे कि हेमंत है और 2-3 लोग और भी हैं, तो वो लोग जो भी है बेसिकली वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आइडियली वो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज ला के देते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में ये लोग ये कर रहे हैं। तो आपके पास एक ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर लोगों के साथ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत सारा प्रोसेस ईजियर हो जाता है। लेकिन
आपको मैं सिंपल से चीज कहूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी जर्नी है जहां पर आपको एफर्ट्स इनिशियली 3 से 4 साल देने हैं, फिर आपकी आगे की लाइफ बहुत सिंपलर हो जाती है। क्योंकि इनिशियली आपको किक स्टार्ट करने में ऑब्वियसली हेडेक रहेगा, आपको बस्ट होकर के ओवर बस्ट होकर काम करना पड़ेगा, बट यू कैन इजिली मैनेज इट। और मेरे केस में मैं 7 से 8 घंटे का एवरेज टाइम ये सारी चीजों को देता ही देता हूँ। ओवरऑल आपने अपने आप को काफी डिसिप्लिन रखा है अपनी चीजों के लिए। यस, आई एम वेरी डिसिप्लिन। मुझे क्या करना है, कब क्या करना है, वो वेल मैनेज्ड है मेरे कहीं ना कहीं किसी ट्रैकर के अंदर। और एक रूटीन मेंटेन है कि मुझे वीडियो डालना है तो डालना ही। और अभी मैंने इंग्लिश चैनल चालू किया कीर्ति श्वास के नाम से गाइस, तो अभी मैं वहां पे भी कंसिस्टेंटली वीडियोस डालता हूं। तो मैनेज हो जाता है, बट आपका थोड़ा शेड्यूल रहता है वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी है इस फील्ड के अंदर, तो आपके आगे की लाइफ थोड़ी इजियर हो जाती है। सो अभी आपने बताया कि आप जॉब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, तो मैं जॉब के पैसे के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आप जो ब्लॉगिंग और जो भी बिजनेस करते हो, तो इन सारे चीजों को अगर आप बताना चाहो रेवेन्यू। श्योर, बता सकते हैं, एक जस्ट एक डमी आइडियाज हम दे सकते हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों का मोटिवेशन भी यही होता है कि कोई बंदा कुछ कर रहा है तो क्या कुछ कमा भी पा रहा है कि नहीं पा रहा। तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी टू शेयर दैट, बट एक जस्ट डमी आइडिया ताकि एटलीस्ट लोग कॉन्फिडेंट रहे। बाकी मैं स्क्रीनशॉट का भी पहले ही मेरे बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज पे शेयर करता ही रहता हूँ। तो अगर मैं बताऊँ कि आइडियली मैं कितना कमाता हूँ, तो गाइज मैंने जो अगर मैं सिंपल से चीज बताऊँ, तो जैसे कि मैंने बताया 2018 के एंड में मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की। Within a 3 month मुझे फर्स्ट टाइम मेरा अर्निंग जनरेट हुआ समवेयर अराउंड कहूंगा कि मार्च अप्रैल 2019 के अराउंड। और इसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा स्केल किया, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट इज समथिंग लाइक कि मैं अगर बताऊं तो मैंने 90 डेज के अंदर 45 पोस्ट लिखे मेरे अमर व्यास आइडिया पे। ये इसलिए करने के लिए ताकि मैं गूगल को टेस्ट कर सकूं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसके बाद बहुत सारे वर्टिकल्स पे मैंने काम करना चालू किया। तो गाइस आज जो है मैं करंटली समवेयर अराउंड अगर मैं टोटल बिजनेस मॉडल की बात करूं तो $3,000 से $4,000 एज अ पार्ट टाइम। अभी मैं बताया कि मेरी जॉब की जो इनकम है वो समवेयर इट इज मोर देन दैट, तो यू कैन गेट एन आइडिया। तो मैं $3,000 से $4,000 फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स बहुत से लोगों के साथ रेवेन्यू शेयर करने के बाद में मैं इतना अर्निंग जनरेट करता हूं। और अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं गाइस, अगर मैं लास्ट 20 to 21 days की बात करूँ, तो मैंने करीबन $2,500 सिर्फ $1,700 to $1,800 दिन के अंदर भी कमा लिया। तो स्केल हो रहा है, चीजें बहुत सारी हो रही है, और आप भी ये कर सकते हैं, इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। क्या बात है, थैंक यू सो मच चीज़ें बताने के लिए, रिवील करने के लिए। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, ऑडियंस इस बात पर लाइक होना चाहिए, लाइक भाई ने अपनी इनकम रिवील करी है। एंड अगर आपको जरा सा भी इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला हो तो लाइक दबा देना। ओके, सो व्यास जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जॉब से ज़्यादा इनकम है, तो आप कब आप इसको फुल टाइम जॉब लेने की सोचोगे, लाइक ब्लॉगिंग को ही फुल टाइम कब आप कंसीडर करोगे? जी हाँ, मेरा टारगेट है जैसे मैं इंडिया में पहुंचता हूँ तो मैं आइडियली विद इन 1 ईयर आई विल डेफिनेटली शिफ्ट टू दिस फुल टाइम। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दूसरे जो कंपनीज हैं या फिर बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करके मेरे जो बिजनेस अदर वर्टिकल्स हैं मैं उनको उनके साथ कनेक्ट करके एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इंडिया जाऊँ तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यूके के अंदर रहे। और मैं वही है आज जो यहाँ पे हूँ, तो मैं आज के लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ जो मैं फ्यूचर में यूज कर सकूँ। तो मेरा यही मोटो है, जब मुझे लगेगा कि मेरी इनकम एक स्टेबल इनकम, बिकॉज ऑनलाइन अर्निंग यू नो यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं, आज मैं 4,000 कमा रहा हूँ, कल हो सकता है 6,000 होगा, तो परसों हो सकता है 2,000 भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्टेबल इनकम $6,000 एवरी मंथ टच कर जाएगी अदर वेरिएशंस में, और जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि मैं अदर बिजनेस मॉडल को भी इस तरीके से मैंने एस्टैब्लिश कर दिया है, तो समवेयर आई विल डेफिनेटली स्विच टू दिस एज अ फुल टाइम। और मेरे पास इसका फुल प्रूफ प्लान है, जैसे कि हर चीज की प्लानिंग में 2 से 3 महीने इन्वेस्ट करता हूं, और इसका भी प्लान मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। तो यस, वंस आई विल गो बैक टू इंडिया एंड व्हेन आई एम श्योर कि मेरा $6,000 का एक रेवेन्यू कंसिस्टेंट हिट हो चुका है, देन आई विल स्विच आउट। क्या बात है, एंड आई विश कि बहुत जल्दी आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि सिक्स क्या आप $60,000 बनाओ। श्योर, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच व्यास जी इतना कुछ बताने के लिए मेरी ऑडियंस को, और मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, नई नई चीज़ें आपने बताई। इवन एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक ब्लॉगर कुछ 7-8 तरीकों से कमा सकता है, जबकि उसको अलग से कुछ ज़्यादा नहीं करना है। राइट, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो आपसे जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऑडियंस को भी होपफुली अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच व्यास जी टाइम देने के लिए। थैंक यू सतीश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। जी, तो मैं चाहूंगा आप जाते जाते मेरी ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें। श्योर गाइस, यहाँ पे मैं दो चीजें जो आपको बताना चाहूंगा जो मेरे गोल्डन रूल्स है।
सबसे पहले चीज गाइस, जो आपको करना है कि देयर इज नो परफेक्ट बिगिनिंग। आप सोच रहे कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा, देयर इज नो परफेक्ट बिगिनिंग, टेक एक्शन राइट नाउ। सिंपल सा रूल है, अगर आप आज एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट क्विकली मिलते हैं। और दूसरा चीज उन लोगों के लिए जो एक्शन नहीं लेते और बाद में जाकर के फ्यूचर में बोलते हैं कि काश मैंने ये चीज तब चालू कर ली होती जब मैंने सतीश भाई का वीडियो 2016 में देखा होता, जो कि आज भी मैं सेल्फ फील करता हूं कि शायद मैं बहुत पहले स्टार्ट कर सकता था, राइट। तो ये जो काश वर्ड है उसका मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। काश चार लेटर से मिलकर बना हुआ है, के ए एस और एच। K stands for knowledge, A for attitude, S for skill और H for habit। अगर आपके पास में right knowledge है, जो कि आप बहुत सारे videos देख करके आपको automatically हो जाता है, एक right attitude है quick action लेने का, एक skill set है जो आपको knowledge और attitude से automatically आएगी, और अगर आपके पास habit है इन तीनों चीजों को daily routine में लाने का, तो आपको success मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं यही आपकी audience की और मेरे बहुत सारे viewers है जो सतीश भाई के videos देखते हैं, तो guys आपके लिए भी यही एक मेरी personal advice है, टेक एक्शन राइट नाउ, देयर इज नो परफेक्ट बिगिनिंग। थैंक यू सो मच व्यासी, थैंक यू सो मच, काफी सही फॉर्मूला आपने बताया लोगों को। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।